जय माता की। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि घर में शालिग्राम रखने से क्या होता है। शालिग्राम में साक्षात भगवान विष्णु समाए हैं। शालिग्राम 33 तरह के होते हैं जिसमें से 24 को भगवान विष्णु के स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि शालिग्राम घर में रखना कितना शुभ होता है और इसकी पूजा नियमित करने से कितने फायदे मिलते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इसे घर में स्थापित करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद किसी इंसान को मिल जाए तो गरीबी व दरिद्रता दूर हो जाती है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन अर्चना होता है उस घर में वास्तु दोष और बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। पति पत्नी के बीच में आपसी झगड़े बढ़ गए हों और रिश्ते टूटने की कगार में पहुंच गए हों तो ऐसे घर में शालिग्राम जरूर रखना चाहिए। शालिग्राम को हमेशा तुलसी के पेड़ के पास रखें, उसकी नियमित पूजा करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। कहते हैं जिस घर में शालिग्राम स्थापित करने के बाद उसकी नियमित पूजा की जाती है वहाँ लोगों को समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। और जिस घर में शालिग्राम और माँ तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहती है और धन की कोई कमी नहीं होती है। जय माता की। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की।